हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे आलू पराठा की रेसिपी, जिसमें हमें ना आटे को गूंदना है ना आलू को इस आटे में भरना है। इसे हम आज नए तरीके से बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही इजी है। साथ में इसके साथ खाने के लिए हम लोग चोखा भी बनाएंगे, तो आइए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के आलू को पहले ही 2 सीटी लगा के पका लिया था। अब ढक्कन खोल के हम लोग उसमें ही चोखा के लिए बैंगन और टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा टमाटर और 5-6 बैंगन डाल दिया है। साथ में इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 सीटी लग चुका है, अब हम कुकर खोल के देख लेंगे। तो देखिए, आलू बैंगन और टमाटर सब अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे एक एक करके एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने आलू का छिलका उतार लिया और यहाँ पर मैं 2 आलू ले रही आलू पराठा बनाने के लिए, और इसे मैं एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा आलू पराठा बनाना है तो आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ही लें। तो देखिए, ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मंगरेला और 1/4 चम्मच जीरा लिया है। सारे मसालों को डाल के उसके बाद हम लोग इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई, अदरक बारीक कूटा हुआ लगभग आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता और आधा कटोरी आटा अभी डालेंगे। आधा कटोरी हम लोग बाद में डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। पानी धीरे धीरे करके डालना है, एक ही साथ नहीं डालना है। तो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही। बचा हुआ बाकी का आधा कटोरी आटा इसमें और डाल देंगे और डाल के फिर से इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। साथ में आप पानी थोड़ा थोड़ा डालें जिससे ये ज़्यादा रनी ना हो। आपको ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, जैसे आप चीला बनाते हैं आपको उस तरीके का बैटर रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम मैं उसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ, तब तक हम लोग चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टमाटर, आलू और बैंगन के छिलके को अच्छी तरह से छील लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च कटी हुई, धनिया पत्ता कटा हुआ, अदरक बारीक कूटा हुआ, नींबू का रस, नमक, सारी चीज़ों को डाल के आप इसे मैशर से अच्छे से मैश कर दें। आप बॉयल करने की जगह बैंगन टमाटर को डायरेक्ट आग पे भी पका सकते हैं। अगर आपको इसमें आलू नहीं डालना है तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा प्याज बारीक काट के डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर चोखा रेडी हो चुका है और हमारा बैटर भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो आइए अब हम आलू पराठा बनाते हैं। तो जैसे आप चीला बनाते हैं आपको बेसिकली वैसे ही करना है। एक तवे पे ऑयल ग्रीस करना है और उसमें 1 चम्मच भर के आपको बैटर डाल देना और फैला देना है। जैसे ये थोड़ा सा पकने लगे तो हम लोग तेल डालेंगे इसमें और साइड से धीरे धीरे करके पलट देंगे। आप ध्यान से पलटें क्योंकि इसमें आलू मिला हुआ है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अलट पलट करके आप इसे अच्छे से पका लें। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। ये बहुत ही आसान तरीका है आलू पराठा बनाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों से क्या होता है जब वो आलू पराठा बनाते हैं तो फीलिंग सही तरीके से नहीं भरने की वजह से ही वो बेलते टाइम फट जाता है और वो प्रॉपर फीलिंग नहीं हो पाती है, तो उसे खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ 1 आलू पराठा बन के रेडी है। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। फिर से हमें तवे को ऑयल से ग्रीस करके बैटर 1 चम्मच डाल देना है और सेम प्रोसेस से अलट पलट के अच्छे से पका लेना है। तो
तो इसे भी मैंने अलट पलट के अच्छे से पका लिया है। ये लगभग रेडी है और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये कितना टेस्टी लग रहा दिखने में। तो यहाँ पर मैंने अभी दो बना लिए आलू पराठा, और चलिए आइए इसे अब सर्व करते हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये कितना सॉफ्ट है, अभी ये गर्म है। तो आप इसे दही, मलाई, चोखा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो कम मेहनत में और जल्दी बन जाने वाली इस तरीके से आलू पराठे की रेसिपी को आप ज़रूर बना के ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।